फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली मालेगांव, प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मेड इन मालेगांव फेस्टिवल 3 फरवरी से 8 फरवरी तक अल्लाह का एहसान है कि कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ और मालेगांव शहर की आवाम ने, हमारी माँ बहनों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, नौजवान साथियों ने और मासूम मासूम बच्चों ने, तलबा और तालबात ने और मालेगांव शहर की आवाम ने मुकम्मल तौर पर अपनी हाज़िरी यहां पर दर्ज करवाई और मालेगांव फेस्टिवल को कामयाब किया। मैं मालेगांव शहर की आवाम का, माँ बहनों का, बुज़ुर्गों का और नौजवान साथियों का, तलबा और तालबात का, टीचर्स, डॉक्टर्स और हमारे इतराफ़ के शहर के तमाम ही, इतराफ़ के शहर की बहुत बड़ी तादाद, इतराफ़ के ज़िले के हमारे बहुत बड़ी तादाद फेस्टिवल के अंदर आई, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पर हमारे आप लोगों का, मीडिया के साथियों का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब चैनल, आप तमाम ही लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे वॉलेंटियर, हमारी जो नौजवानों की एक फ़ौज वॉलेंटियर के रूप में हमने यहाँ पर खड़ा की थी, बहुत ही अच्छा काम हमारे नौजवान साथियों ने यहाँ पर तमाम ही शहर की आवाम को संभालने का किया, माँ बहनों को संभालने का किया, बच्चों को संभालने का किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मरहूम शेख खलील साहब, जो उनके नाम से सभील हम लोगों ने बनाई थी हमारे परिवार ने, उनको जो उनके खलील दादा के तमाम ही दोस्तों ने, साथियों ने बहुत अच्छे अंदाज में उसको संभाला, रोज़ाना कम से कम 10 ड्रम शरबत आला क्वालिटी का आवाम को मुफ्त में दिया, मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे फेस्टिवल कमेटी ट्रस्टियान का, जो हम लोग ट्रस्ट है और जो 2 महीने से मुसलसल हम लोग तमाम ही लोग यहाँ पर लगे हुए थे, मैं हमारे साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन लोगों ने ये ज़मीन हमको दी, ये 3 मालक की ज़मीन थी, एक कॉरपोरेशन मालक है और 3 मालक दूसरे हैं, उन लोगों ने जो ज़मीन दी, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत ताउन रहा, चाहे एडिशनल SP साहब हो, DYSP साहब हो, तमाम ही शहर के अलग अलग पुलिस स्टेशन के PI, उनका स्टाफ और ख़ास तौर पर आयशा नगर पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ, उनका भी बहुत ताउन रहा, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और कॉरपोरेशन का भी, ये कॉरपोरेशन का रोल भी बहुत अहम रहा इसमें, कॉरपोरेशन के सफाई कर्मचारियों ने, कॉरपोरेशन के आरोग्य डिपार्टमेंट ने रोज़ाना जो यहाँ पर साफ़ सफाई करने आते थे, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक यहाँ पर एम्बुलेंस थी, फायर गाड़ी थी, तमाम ही कॉरपोरेशन के स्टाफ और कॉरपोरेशन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं शहर की आवाम का से माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, अगर हमारे अपने जिम्मेदारान से या हमारे वॉलेंटियर से या हमारे साथियों से अगर किसी वजह से भी कोई, अगर उनका दिल दुखा होगा, कोई गलती होगी, तो मैं माजरत चाहता हूँ। इतना बड़ा मजमे को कंट्रोल करने के लिए छोटी छोटी बातें होती है, तो अगर ऐसा किसी का दिल दुखा है तो मैं उन लोगों का भी मैं माजरत चाहता हूँ। और इंशाअल्लाह आवाम की बहुत ख्वाहिश रही कि हम लोग फेस्टिवल 2 दिन बढ़ा दें, 3 दिन बढ़ा दें, लेकिन हमारी अभी अपनी एक मजबूरी है कि यहाँ पर हमने जो परमिशन वगैरह लिया था वो सिर्फ 6 तारीख तक था और इसके लिए हम लोगों को एक नई प्रोसीजर के लिए 1 दिन गैप देना पड़ता था और उसके लिए फिर पूरा सेटअप वापस हम लोगों को खड़ा करना वगैरह,
तो इसके लिए हम लोगों ने जो टाइम दिया था उसके ऊपर मुकम्मल किया। लेकिन शहर की आवाम को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आने वाले साल में इससे बड़ा और इससे आला दर्जे का हम लोग करने की कोशिश करेंगे। हमारी माँ बहनों को तफरी का मुकाम नहीं है, जैसा मैंने मेरी तकरीर के अंदर कहा कि तफरी का मुकाम शहर में नहीं है, और माँ बहनें और बच्चों को यहाँ पर तफरी होती थी, बहुत खुश नज़र आए, उन बहुत दुआएं हम लोगों को दी। मैं उन लोगों को, मेरी माँ बहनें बच्चों को, शहर की आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह जब आइंदा हम लोग करेंगे तो सेटअप जो होगा, जो अभी थोड़ी बहुत जो हमको तकलीफ़ आई, हमको सीखने भी मिला, तो हम लोग इससे अच्छे ढंग से सेटअप लगा कर इंशाल्लाह हम लोग करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। बहरहाल मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने तनकीद की, चाहे वो, मैं किसी पे, मेरा इल्ज़ाम नहीं है कोई सियासी पार्टी पर, लेकिन जो लोग ने भी तनकीद की, बहरहाल जो लोग तनकीद की, कुछ लोगों ने हमारे जो साथी थे दावतनामा लेकर जा रहे थे तो उनको थोड़ा सी दो लफ्ज़ों भी बोला, मुखालिफ़ी लोग थे लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन मैंने उन लोगों को भी यहाँ नज़र मैंने देखा इस फेस्टिवल में उनकी फैमिली के साथ, जो लोग तनकीद कर रहे थे वो भी यहाँ पर आए, और जिन लोगों ने शुरुआत से तनकीद की उनका शुक्रिया क्योंकि उन्होंने प्रचार किया और ये कामयाब हुआ। बहरहाल तनकीद होना चाहिए, लेकिन कम से कम समझना तो चाहिए कि हम क्या तनकीद कर रहे हैं। ये शहर की आवाम के लिए था, यहाँ पर हमने पूरे फेस्टिवल के ग्राउंड में जितना सेटअप लगा हुआ था, हमारा पार्टी का मेरा नाम कहीं नहीं था, हमारा सिम्बॉल कहीं नहीं था। हम लोगों ने यहाँ पर तमाम ही लोगों को, मैं आज आपको बताता हूँ कि मालेगांव शहर के एमएलए साहब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को भी हमने लेटर दिया था, इनवाइट किया था। हमने जनता दल के मुस्तकीम डिग्निटी साहब, शान हिंद मैडम और एजाज बेग साहब, सुनील गायकवाड़ साहब, अद्वय हिरे साहब, दादा गुस्से साहब, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, उन तमाम ही लोगों को हम लोगों ने इन्वाइट किया था। हमारी जिम्मेदारी थी इन्वाइट करना, क्योंकि मालेगांव फेस्टिवल है, ये कोई एक एरिए का प्रोग्राम नहीं था, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी थी, हमने अदा की। जिसको आना था वो आए, जिसको नहीं आना था हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बहरहाल ये शहर को, अब ये शहर अलग सोचने लगा है, माँ बहन अलग सोचने लगी है, नौजवान अलग सोचने लगा है, तो ये सोच अगर ये शहर की आवाम की रही तो मैं यकीन के साथ बोलता हूँ कि ये शहर को तरक्की से लिए, डेवलप के लिए कोई रोक नहीं सकता।